ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, खुशहाल होंगे, दिल से खुशियां शादाब होंगे। तो भाई आप सोच रहे होंगे किधर खड़ा हूँ मैं, ये कहाँ कौन सी जगह, इतना शोर पीछे ठाठा, कहीं मैं कंस्ट्रक्शन करने तो नहीं आ गया। मजाक कर रहा भाई, मैं आज अपने शहर के सेंट्रल पार्क में खड़ा हूँ, ठीक, और आज मैं आपको इसका विजिट करवाऊँगा। भाई ये हमारे शहर का सेंट्रल पार्क है, टेलीनोर पार्क इसका नाम है, और ये बहुत ही अच्छा पार्क है। तो चले आए, चलते हैं। और ये है इसका मेन गेट, आपने कभी देखा तो नहीं होगा। जी जी, कभी नहीं देखा हमने, जो कि बहुत ही हार्ड है, बहुत हार्ड है। और फाइनली ये है हमारे पास की अंदर की लुक, और ये देखो भाई बारिशों की हटी है हल्की हल्की, और कितना प्यारा मौसम हुआ, मतलब एकदम झकास। और यहाँ पर लोग आए हुए हैं और इंजॉय कर रहे हैं। इस तरफ देखो सब प्लांट्स हैं, काफ़ी प्यारे लग रहे हैं ये सब प्लांट्स, कितने प्यारे लग रहे हैं। देखो बारिशों की हटी है, इनके ऊपर से अभी पानी गिर रहा है, ये सारी बारिशों की हटी है। इस तरफ आओ आप, देखो प्यारे प्यारे इस प्लांट के ऊपर फ्लावर्स रखते हैं, एकदम मस्त। ये देखो वाओ अमेजिंग भाई, कितना प्यारा लग रहा है, मतलब सही में शाकास। और इधर देखो हमारा एक सब्सक्राइबर बैठा हुआ है, दी स्पाइडरमैन, वो नीचे चला गया। तो ये देख सकते हो आप हमारा सब्सक्राइबर स्पाइडर, ये वो बेल है जो हमारे घर में भी है। इसके ऊपर कभी फूल लगे मैंने आपको दिखाया नहीं, क्योंकि हमने उनको छोटा करवा दिया। इंशाल्लाह जब बड़े होंगे उनके और फूल लगेंगे तो सेम यही बेल मैं आपको अपने घर में ही दिखाऊंगा। चले गाइस, अब हम आपको जो है फुल पार्क का व्यू करवाते हैं। अभी हमने आपको जस्ट एक साइड का करवाया है, ये देखें यहाँ पे, ये बहुत सारे प्यारे प्यारे जो हैं वो गार्डनिंग की हुई है उन्होंने, प्लांटिंग की है। ये देखें खजूर कितनी प्यारी लग रही है, बेचारी आधी सूख गई है। और इधर देखें चले यहाँ से, अब आपको हम आगे का व्यू करवाते हैं। और आपने कभी शहतूत का दरख्त देखा है तो कमेंट में जरूर बताऊँ, जिसने नहीं देखा उसको हम अभी दिखाएंगे, ठीक है। तो ये देखें कितनी न्यासबू है, और ये न्यासबू देखो, ये देखो ये सूख गई है लेकिन गीली हो गई है, इसके प्लांट है। ये देखो ये लगा हुआ है, कुछ बढ़ा नहीं जा रहा, बढ़ा नहीं जा रहा, उसने जंग की वजह से पुराने हो गए हैं। अब यहाँ से वॉक करते हुए हम चलते हैं ट्रैक पे, वॉक करते हैं, चलो। वॉकिंग ट्रैक है, इसके ऊपर आप जॉगिंग कर सकते हो, वॉक भी कर सकते हो, इवन साइकिलिंग भी कर सकते हो। तो ये एक बहुत मस्त चीज़ है, यहाँ पे बच्चे बड़े सब आके खेल सके, ग्राउंड है, खुला ग्राउंड है। अब सुबह के टाइम हो शाम के टाइम हो, मौसम तो आजकल के बहुत अच्छे चल रहे हैं, बारिश वगैरह हो। तो अभी हम आपको इस ग्राउंड के एक ऐसी मस्त चीज़ दिखाएंगे जहाँ पर बच्चे जाकर चिपक जाते हैं, करंट नहीं है लेकिन उस बच्चों को इतना अच्छा लगता है कि वो सब चिप करते हैं, चिप 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 आज अब उस नैन के अंदर कोई ना जिन जाते हैं, जिन नया हुआ जिसमें जो है ना एमएस नैन को पागल किया हुआ जी। बताइए वो कौन सी चीज है ये, यहाँ पे तो एक भी बच्चा नहीं है, क्योंकि ये गीला है इस वक्त। थोड़ा मजाक कर रहा था भाई, यहाँ तो एक भी बच्चा, एक्चुअली में ये इस पार्क की सबसे ज्यादा शान है, क्योंकि ये बहुत ही प्यारा है। यहाँ पे अगर पानी होता तो ये बहुत ज्यादा प्यारा लगता है, ये देखें। इतना प्यारा मौसम, इतनी सारी ग्रीनरी, ना हो कुछ खाने को, आगे वाला भूल गया। तो भाई इसी बात के ऊपर मैंने मंगवा लिया है कुछ स्नैक्स, और हमने मंगवा लिए हैं
बहुत ही लजीज तरीन बर्गर, और अभी हम बैठकर इंजॉय करेंगे। तो आपने भी हमारे साथ बैठकर इंजॉय करना है, ठीक है? और किसको देख के इतना मज़ा आया आपने कमेंट में ज़रूर बता देना। दिखाएंगे उस तरफ का सारा व्यू। बताओ सही किया ना मैंने रैप, हैं? मस्त किया एकदम। एक चीज़ दिखाएंगे, ये इस पार्क की मल्टी नेशनल बिल्ली है जिसकी बेचारे की दुम कटी हुई है, और ये खरगोश लगती है। इसको हमने पहले भी देखा था, इस बेचारे की किसी एक्सीडेंट में दुम कट गई है। और ये है बहुत ही प्यारी बिल्ली है, पता नहीं बिल्ला है, मुझे तो बिल्ली लगती है, बहुत क्यूट है बिल्ली है ये, और इस बेचारे की दुम कटी हुई है। ये तो प्यार भी करवाती है भाई, सही में क्यूट है। अभी ना हम जा रहे थे तो एक चीज रह गई, आपको शहतूत का दरख्त दिखाना था, तो आ जाओ भाई, मैंने वादा किया था और मैं आपको दिखाऊंगा। आप गैस करोगे कौन सा इनमें से शहतूत का दरख्त है। अब मैं ना इधर सुनो, मैं आपको ना एक टास्क देता हूँ कमेंट में, इसका नाम है नंबर वन, ध्यान से देख लो, मेरे लेफ्ट साइड पर नंबर वन, मेरे राइट साइड पर नंबर टू, और मेरे ऊपर की तरफ जो है वो नंबर थ्री। इनमें से जो शहतूत का दरख्त है वो आपने वन टू या थ्री लिख के कमेंट कर देना, ठीक है? ये मैं आपको नहीं बताता, ये आपने खुद पहचानना है। तो गाइस, मैंने आपको अपने पूरे पार्क का व्यू करवाया, आपको एक एक चीज़ बर्गर के गोभी से लेकर सलाद से लेकर अंडे तक दिखाया, ठीक है, अंडा तक दिखाया, आपने खाता दिखाया, हर चीज़ दिखाई, एक एक चीज़ दिखाई। और आप मेरे लिए सब्सक्राइब नहीं कर सकते? नहीं भाई, मुझे आपके ऊपर पूरा यकीन है, यकीनन आप सब्सक्राइब करोगे। सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, लाइक कर देना और वीडियो को शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। भाई आपका भाई बाद में हाजिर होगा, तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। आज का आउटरो वैसे कुछ ज़्यादा बड़ा हो गया, तो इसी के साथ में एक बात कहता चलूँ, मैंने अभी आपको एक बिल्ली दिखाई ना जिसकी दुम कटी है, अगर आपको स्ट्रीट कैट या कहीं भी ऐसी कैट नज़र आती है तो उसको खाना वगैरह ज़रूर दिया करें, आपको बहुत स्वाद मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।
आपने इंजॉय किया? बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। आज तो मौसम बहुत ज़बरदस्त है, तो वापस जाने का दिल नहीं कर रहा, दिल नहीं कर रहा। इतनी तेज, इतनी प्यारी हवा, इतनी प्यारी हवा चल रही है। ये देखें, अब लोग आना स्टार्ट हो गए फैमिलीज के साथ, और मेरा तो दिल ही नहीं कर रहा जाने का। इतनी अच्छा, इसकी टाइमिंग ये है